हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल डिफेंस पॉइंट पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इंडियन जीके से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वन लाइनर जीके जो कि इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं हमारी ये सीरीज। तो पहला प्रश्न है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बुद्ध को जो है वो ज्ञान की प्राप्ति जो है वो बुद्ध गया में हुई थी। अगला है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की जो स्थापना है वो स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो पंजाबी भाषा की जो लिपि है वो गुरुमुखी लिपि है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो दक्षिणतम किनारा जो भारत का है वो कन्याकुमारी है। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो भारत में जो सूर्य सबसे पहले निकलता है वो अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो इंसुलिन का जो प्रयोग होता है वो मधुमेह में होता है। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो बिहू जो है वो असम का प्रसिद्ध त्यौहार है। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो विटामिन सी जो होता है वो आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल है वो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो कागज का आविष्कार जो है वो चीन में हुआ था। बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो बुद्ध के बचपन का नाम जो है वो सिद्धार्थ था। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो डिफेंस फोर्सेस का जो सेनापति होता है वो राष्ट्रपति होता है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? तो रतौंधी नामक जो रोग है वो विटामिन ए की कमी से हो जाता है। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो पोंगल जो है वो तमिलनाडु का त्यौहार है। गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो पंजाब के लोक नृत्य हैं। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? तो टेलीविज़न का जो आविष्कार है वो जॉन लॉगी बेयर्ड ने किया था। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो भारत की पहली महिला शासिका जो है वो रजिया सुल्तान थी। अगला है, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो मछली जो है वो गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा है वो भगत सिंह ने दिया था। अगला प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहां हुआ था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है वो 1919 में अमृतसर के जालियांवाला बाग में हुआ था। अगला है, 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने जो है वो कांग्रेस छोड़ने के बाद फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो पंजाब केसरी जो है वो लाला लाजपत राय को कहा जाता है। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? सैंडर्स की हत्या जो है वो शहीद भगत सिंह ने की थी। 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? तो मंगल पांडे ने जो है वो 1857 ईस्वी के विद्रोह में सबसे पहले अपना बलिदान दिया था। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन है थी? तो भारत की पहली महिला राज्यपाल जो है वो सरोजिनी नायडू थी। माउंट एवरेस्ट पर दो बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो संतोष यादव जो है वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला थी जो दो बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ब्रह्म समाज की जो स्थापना है वो राजा राम मोहन राय द्वारा की गई थी। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती का जो मूल नाम है वो मूल शंकर था। वेदों की ओर लौटो ये नारा किसने दिया था? तो वेदों की ओर लौटो ये नारा जो है वो स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा दिया गया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है वो स्वामी विवेकानंद द्वारा की गई थी। वास्को डिगामा भारत में कब आया था? तो वास्को डिगामा जो है वो भारत 1498 ईस्वी में आया था। वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? तो वास्को डिगामा जो है पुर्तगाल का निवासी था। हवा महल कहाँ स्थित है? तो हवा महल जो है वो जयपुर में स्थित है। सिख धर्म का संस्थापक किस गुरु को माना जाता है? तो सिख धर्म का संस्थापक है वो गुरु नानक जी को माना जाता है। सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो सिखों का जो प्रमुख त्यौहार है वो बैसाखी है। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो नेताजी जो है वो सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम क्या है? तो विजय घाट जो है वो लाल बहादुर शास्त्री जी का समाधि का नाम है। महाभारत के रचयिता कौन है? तो महर्षि वेदव्यास जो है उन्होंने महाभारत की रचना की थी। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? वो अर्थशास्त्र जो है वो विष्णुगुप्त यानी कि चाणक्य या कौटिल्य ने लिखी थी। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो जय जवान जय किसान का नारा जो है वो लाल बहादुर शास्त्री द्वारा दिया गया था। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था?
तो संविधान सभा का जो स्थायी अध्यक्ष था वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व रेड क्रॉस जो दिवस है वो 8 मई को मनाया जाता है। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो जापान। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को जो है वो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो भारत का सबसे छोटा राज्य है वो है गोवा। अगला प्रश्न है, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो ओणम जो है वो केरल का राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो दिल्ली जो है वो 1911 में भारत की राजधानी बनी। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र जो है वो सबसे चमकीला ग्रह है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ जो है वो भारत का राष्ट्रीय पशु है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो मोर जो है वो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? तो गंगा डॉल्फिन जो है वो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों, तो इसको लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।